अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना वॉइस ऑफ कोलार चैनल। जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम साहब ने कांग्रेस पार्टी के नाराज रहनुमाओं को जेडीएस की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हुए हाल ही में जो कोलार में केजीएफ बाबू के नाम से जो गरीबों के घरों तक 2000 के चेक तकसीम किए गए थे और चिकपेट में 5000 रुपये के चेक तकसीम कर रहे हैं, यानी कि केजीएफ बाबू को जेडीएस में शामिल होने की दावत दी है, उसके कुछ तफसीलात और तस्वीरात हम आपको अपने वॉइस ऑफ कोलार चैनल की तरफ से दिखा रहे हैं। प्रथम दीपावली शुभाशय दीपावली हब शुरुआत मुंचे लक्ष्मी पुत्र मन संदर्शन। तो आपने सुना कि सीएम इब्राहिम इस दीपावली के ईद के ऊपर लक्ष्मी पुत्रा केजीएफ के घर में हाजिर होते हुए उन्हीं की ज़ुबानी से तो कांग्रेस के नाराज़ रहनुमाओं को जेडीएस की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश सीएम इब्राहिम रियासती सदर जारी रखते हुए केजीएफ बाबू के घर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के नाराज़ लीडर और चिकपेट असम्बली कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद केजीएफ बाबू के वसंत नगर रिहायशगाह का दौरा किया। सीएम इब्राहिम ने केजीएफ बाबू को जेडीएस में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस कायदीन ने पहले ही साबिक एमएलए आर वी देवराज के बेटे आर वी देवराज को टिकट देने का वादा किया है। कहा जाता है कि देवराज अपने बेटे की जीत के लिए पहले ही काफ़ी हिकमत अमली बना रहे हैं। चंद माह कबल केजीएफ बाबू उर्फ यूसुफ शरीफ ने बेंगलुरु देही ज़िले से लेजिस्लेटिव यानी कि MLC काउंसिल सीट के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन के लिए काफ़ी पैसा बहाया गया था यानी कि खर्च किया गया था, लेकिन वो BJP के उम्मीदवार से हार गए। चंद महीनों तक खामोश रहने के बाद उन्होंने चिकपेट हलके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उनको कांग्रेस पार्टी ने वजह पूछते हुए नोट्स जारी किया था। केजीएफ बाबू पार्टी कायदीन की हिदायत के बावजूद चिकपेट से मुकाबला करने की कोशिश जारी रखे हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। इस दौरान जेडीएस कायदीन ने जो चिकपेट में मौजूद उम्मीदवार के तलाश में हैं अब अपनी निगाहें केजीएफ बाबू पर जमा दी गई, यानी कि जो जेडीएस से पहले से ही चिकपेट में मौजूद हैं उन्होंने भी केजीएफ बाबू के ऊपर निगाहें जमा रखी हैं, अब अपनी निगाहें केजीएफ बाबू पर जमा दी। केजीएफ बाबू 1000 करोड़ रुपए असासों के मालिक बताए जाते हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना नामुमकिन है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने के बजाय सीएम इब्राहिम ने उन्हें ताकतवर इलाकाई पार्टी JDS से इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। सीएम इब्राहिम ने इतवार को केजीएफ बाबू की रहायशगाह का दौरा किया। मालूम हुआ है कि केजीएफ बाबू ने खुद अपनी कार भेजकर सीएम इब्राहिम को अपने घर बुलाया और जो प्रेस अहबाब होते हैं उन्होंने पूछा कि आपको अगर कांग्रेस से टिकट ना दी जाए तो आप JDS में शामिल होंगे, तो केजीएफ बाबू ने कहा नहीं, मुझे कोई भी पार्टी से टिकट मिल सकती है। सीएम इब्राहिम साहब ने मुझे JDS में शामिल होने की दावत दी है, लेकिन मैं सोचकर बताऊंगा, वक्त की ज़रूरत है। तो ये रहे सीएम इब्राहिम और केजीएफ बाबू के मिलने की कुछ तस्वीरात और सीएम इब्राहिम JDS में शामिल होने की दावत देते हुए केजीएफ बाबू की तस्वीरात आप देख रहे हैं आपके अपने वॉइस ऑफ कोलार चैनल की तरफ से। शुक्रिया।